मानता हूँ। मोदी जी के अंदर बहुत प्रबल भावना है कि किसी प्रकार से राम मंदिर का निर्माण जल्दी हो जाए, और मेरी बात भी हुई, उनके मन में यही विचार है कि क्या क्या मुँह लेकर के मैं मंदिर जाऊँ, मैं तभी जाऊँगा जब राम जी के मंदिर को ले लूँगा। प्रबल भावना है कि जल्दी से जल्दी राम जी का मंदिर बने। आप देखें ना, तीन तलाक वाली बात आई और अभी राज्यसभा में लटकी हुई पड़ी हुई है। इतनी प्रबल इच्छा थी, इतनी प्रबल इच्छा थी कि राम मंदिर के कार्य को जल्दी निपटारा करके और राम मंदिर बनवाया जाए। मोदी जी की आस्था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, रामलला पर है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे की सरकार मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बनेगी और मोदी जी रामलला के मंदिर के निर्माण करवाएंगे। रह गया उनके आगमन की बात, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि मोदी जी अगर माया बाजार आते हैं तो अयोध्या जरूर आवें, रामलला के दर्शन करें। संतों की मान प्रतिष्ठा इससे बढ़ेगी कि हमारे प्रधानमंत्री भी रामलला के दर्शन के लिए आते हैं। जैसे योगी जी, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जब भी अयोध्या आते हैं रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन करना नहीं भूलते, उसी तरह से श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस काम को करें और अयोध्या में आकर के रामलला के दर्शन करें, ये हमारी मांग है। लेकिन कदाचित वो नहीं आते हैं तो उनकी व्यवस्था कही जाएगी, या यह सोच रहे हों कि रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण जिस दिन फैसला हो उस दिन ही चल करके हम मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ करावें, यह भी उनके अंदर अपेक्षा हो सकती है। भगवान की इच्छा से जो समाज की सेवा करेगा, राष्ट्र की सेवा करेगा, वही सत्ता में आएगा। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समाज हो, जो समाज का हित संपादन करेगा, समाज का सुख को सुख देगा, सुविधाएं देगा, वही सत्ता में आएगा। उसी को सत्ता मिलती है जो समाज की सेवा करता है, राष्ट्र की सेवा करता है, धर्म की सेवा करता है, जन कल्याण करता है, उसको ही सत्ता मिलती है, उपेक्षा नहीं करता है। राम मंदिर अपने में भगवान राम है, भगवान राम का मंदिर है, जिसकी 100 बार गरज हो वो आवे, नहीं हो अब जाए कुआ भाड़ो। जो राम जी का दरबार सबके लिए खोला है, जो आए उसका स्वागत है, नहीं आए उसका स्वागत है, जो आएगा अपना कल्याण करेगा, नहीं आएगा वो अपना रास्ता भटके।